असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद देश में वोट बैंक की राजनीति अपने चरम पर है। हमारे देश में बांग्लादेश से शरणार्थियों के रूप में आए घुसपैठिए 47 वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, एक लंबा वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं गए हैं। उन्होंने आपके हिस्से के संसाधनों और सुविधाओं पर अतिक्रमण कर रखा है। आज उन्हें वो सभी अधिकार हासिल हैं जिन पर आपका अधिकार है। ऐसे में सवाल यह है कि हमारे देश की सरकारों ने इन घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेजा? इसका जवाब है वोट बैंक, क्योंकि 1971 के बाद देश में आए घुसपैठी बहुत सी पार्टियों को वोट देते हैं और उनके वोट बैंक बने हुए हैं। आज कांग्रेस भी इन अवैध घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो मानवता की दुहाई देकर घुसपैठियों के हिंदुस्तान में रहने की वकालत भी कर रही है। संसद में घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीति बहुत तेज है और यही राजनीति उनके लिए सुरक्षा कवच बन गई है। मामला संवेदनशील मामला है, इसलिए थोड़ा कृपया सब लोग उसको ध्यान में रख के पूरा इतिहास को भी समझ के उस हिसाब से बात करें तो अच्छा होगा। इसको मानवाधिकार का विषय मानकर लेना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति के लिए, और न इसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे अपनी राजनीति और वोट के लिए ये किसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो सरकार है, वहां की सरकार है और यहाँ की सरकार है, इसे राजनीति का मुद्दा और वोट की मशीन न बनाएं, बल्कि मानवाधिकार के विषय समझकर इसमें निर्णय और न्याय दें। नाम किसी का काट दिया जाए तो जाएगा कहाँ फिर? ये मान लीजिए वो हमारे देश का नहीं है तो अपने देश में चला जाए, लेकिन हमारे देश के ही व्यक्ति का अगर नाम काट दिया जाएगा तो अब फिर कहाँ रहेगा जाके वो? दिस इज द प्रॉब्लम। और वो सारे लोगों के सामने है, उनके बच्चों के सामने होगी। आई वुड अर्ज अपन द यूनियन ऑनरेबल होम मिनिस्टर टू गिव ए कमिटमेंट टू दिस हाउस दैट ऑल दोज इररेगुलरिटीज एंड मिस्टेक should be taken care of. This is an issue not only concerning Assam, as the LAP was correctly saying, this is an issue concerning the whole nation, the security of the nation, number one, the humanitarian ground, nation two, and number two, and number three, all the irregularities, all the mistakes, all the defects that has occurred during the process of this registration that has also been, should be taken care of by the government. Mera NRC ke process se koi virodh nahi hai, sir. लेकिन ये सचमुच मानना होगा कि इट कैन नॉट रिमेन अ सोली हार्टलेस ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां एक परिवार में दो सदस्य वो नागरिक हैं, बाकी तीन सदस्य नागरिक नहीं है। सिर्फ इतना आग्रह करूंगा माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कि व्यक्ति समुदाय में रहता है, उसकी पड़ताल की एक प्रक्रिया समुदाय के माध्यम से भी है। सम भारतीय जनता पार्टी पीपल और सम लीडर्स हैव मेड स्टेटमेंट पब्लिकली दैट वेल दे कैन गो बैक टू देयर ओरिजिनल कंट्रीज 50 इयर्स ऑनवर्ड फ्रॉम 1972। इफ सम पीपल हैव स्टेड हियर दिस इज सेकंड जनरेशन और प्रोबेबली थर्ड जनरेशन। नाउ यू वांट टू अनसेटल सच ह्यूज नंबर, वी बिकम ए लाफिंग स्टॉक फॉर द होल वर्ल्ड। हाउ वेयर आर दे गोइंग टू गो? दे कैन बी डंप्ड इन बंगाल क्रीक, नो नेशन विल एक्सेप्ट देम। Where are they going to give and live? So I wish and I only request humbly to the Honorable Home Minister, have a relook at the whole thing. Government should take Parliament into confidence, the political parties into confidence, and all should be done on the basis of a national consensus, because this is a very sensitive issue and we should keep in mind the sensitivity which prevails in the state of Assam also and in the rest of the country also. 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। बड़ा सवाल
ये है कि अगर ये 40 लाख शरणार्थी घुसपैठिए साबित हो भी जाए तो क्या होगा आगे? क्या भारत सरकार इन्हें वापस बांग्लादेश भेज देगी? क्या बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करेगा? हमारे पास बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। इसमें बांग्लादेश ने इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन उल हक इनू ने अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन से बातचीत में कहा है कि 40 लाख लोगों को बांग्लादेशी बताना ठीक नहीं है। The issue of recent Assam government's development. From the Bangladesh point of view, we think that whatever happening in Assam is an internal situation of Assam, state of Assam, and Bangladesh has nothing to do with it. More or less, our observation is that within Assam is purely a case of ethnic conflict. And Bangladesh has no interest in such issues what are happening within the state of Assam. More or less, the central government of Delhi has not yet raised this issue of the Assam problem with us. And for the last 48 years, the Indian central government has never raised the issue of a migration to the northeastern states of India. So the listing 40 lakhs people as Bangladeshis is not a current statement, and I hope they will look into the matter seriously and they will resolve that problem in their own way. So here Bangladesh has nothing, no comment on this issue.